नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मल्टी स्टडी जोन चैनल में। पिछले बार हम ईथर के बनाने के विधि के पहले आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर और आयोपेसी नामेनक्लेचर में फोकस किए थे और उसी से हम फॉरवर्डिंग ऑर्डर में फिर से आगे बढ़ते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बता रहा हूं मैं आपको। ईथर विलियमसन सिंथेसिस C2H5ONa plus C2H5Cl, सोडियम एथॉक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड टू फॉर्म ईथर, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। इट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ ईथर प्रिपरेशन, औद्योगिक अधिक मात्रा में बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहां से Na और यहां से Cl और इससे बन जाएगा C2H5O, C2H5, डाइएथाइल ईथर। ईथर बनाने की दूसरी विधि जो होती है, एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कर देते हैं, निर्जलीकरण, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल में से वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और उससे भी हमको प्राप्त हो जाती है ईथर C2H5OH एथेनॉल है, C2H5OH another ethanol, hydroxyl group and here is hydrogen, then C2H5OC2H5 plus H2O। यहाँ पर जो निर्जलीकारक के रूप में यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4। इथर बनाने की तीसरी जो विधि होती है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी जिसका जिक्र होता है, डाइएजोमेथेन, और उससे अपने को मिलते हैं अनसिमेट्रिकल टाइप इथर CH2N2 प्लस C2H5OH। एल्कोहल की क्रिया होती है डाइएजोमेथेन से और डाइएजोमेथेन रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी CH3O C2H5। तो CH3 के साथ ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगी और इसका आयोपेसी नाम करना चाहे तो मेथॉक्सी इथेन, देन दिस इज मेथॉक्सी इथेन। और अनसिमेट्रिकल इथर मैथिल एथिल इथर। इसके बाद इसका लैब मेथड, प्रयोगशाला में इथर बनाने के लिए एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है और रिएक्शन का नाम जो होती है विलियमसन सिंथेसिस, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से प्राप्त हो जाता है। इस कारण इसको विलियमसन कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। हालांकि रिएक्शन के लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स बनने के कारण डाइल्यूट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और बीच बीच में हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ता है। तो लैब मेथड किस तरह से होती है, इथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बाय H2SO4, रिएक्शन टू स्टेप में कंप्लीट होता है C2H5OH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन C2H5HSO4 इथाइल बाइसल्फेट प्लस रिलीजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देन अदर स्टेप ऑल्सो पार्टिसिपेट देन इथाइल बाई सल्फेट अगेन विथ एल्कोहल एंड देन फॉर्म ईथर, देन C2H5HSO4 प्लस C2H5OH हाइड्रोजन अटैच विथ HSO4 एंड वन मॉलिक्यूल्स वी आर गेनिंग C2H5O, C2H5 plus H2SO4. So this is lab method of diethyl ether. Distillation flask में heat करते हैं sulfuric acid, ethyl alcohol mixture लेकर approximately 35 degree Celsius temperature पे। Condenser से distilled होने वाली जो ether होती है उसको pass किया जाता है
और आइस से कोल्ड करके रिसीवर फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस प्रयोगशाला विधि होती है, लैब मेथड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बनने के कारण इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। हालांकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनता है और इस कारण डाइल्यूट हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, स्टेट देन CH3O CH3, मेथॉक्सीमेथेन इज सिंपलेस्ट ईथर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज नॉर्मल टेम्परेचर फाउंड इन गैसियस स्टेट। अदर ईथर आर ऑल्सो फाउंड इन लिक्विड फॉर्म बट दे आर वोलेटाइल लिक्विड, सो एट नॉर्मल टेम्परेचर दे आर वेपोराइज एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज वेरी -78.5°C एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 35°C। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन लिक्विड एंड वेपर फॉर्म। CH3O CH3, दिस इज वेपर इन नॉर्मल स्टेट। डाईथाइल ईथर जो होती है C2H5 O C2H5, इसमें पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, वोलेटाइल लिक्विड है, वाष्पशील द्रव होता है, 36°C बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी। ईथर वाटर में कुछ मात्रा में डिजॉल्व होते हैं, कंप्लीट इसमें डिजॉल्वेशन नहीं पाई जाती, सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं। उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग C2H5 कंटेनिंग ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप अटैच विद HOH वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ टू ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एटम एंड इंटरमीडिएट पोजिशन हाइड्रोजन, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सम क्वांटिटी ऑफ ईथर ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, इट इज पार्शियली सॉल्युबल, नॉट कंप्लीट सॉल्युबल। इसी में एक और रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल ईथर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी इसका रीजनिंग क्वेश्चन आता है। इसका सीधा ही संबंध होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपन तो उनमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, किंतु ईथर में हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने के लिए, इस कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। जस्ट लाइक वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल C2H5OH, then here is present hydrogen bond. Due to hydrogen bond, boiling point of diethyl alcohols or ethyl alcohol is 70°C. But in two molecules of ether, no any hydrogen bond formation, then C2H5, O C2H5, and again once molecules C2H5O C2H5O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लिंक करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है और इसी कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाती, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ओनली होता है 36°C। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर अगर ईथर का अपन डिस्कस करना चाहें, इसकी नेचर होती है एल्केलाइन, लुईस बेस कहते हैं इसको। नंबर ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम में उपस्थित होते हैं और इसे किसी को भी डोनेट कर सकने के कारण इसका नेचर जो है एल्केलाइन में आता है। तो कैसे होता है बता रहा हूँ। जैसे वन मॉलिक्यूल ऑफ रेडिकल C2H5O, नंबर ऑफ टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड C2H5। So due to presence of lone pair electron, it is nature is base. Any acidic nature just like a boron trifluoride, also gaining two electrons by ether and combined with ether.
सो केमिकल नेचर ऑफ इथर इज एल्केलाइन एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस. केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस. वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने से फिर से अल्कोहल मिलती है जिससे वो स्वयं बना होता है. तो अगर डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्शन करा दें C2H5 O C2H5, हाइड्रोलिसिस HOH, देन इट इज फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 OH. यहां पे जो कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं या सॉल्वेशन के लिए यूज होता है डाइल्यूट H2SO4, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल ऑफ टाइम. अगर इसकी रिएक्शन होती है PCl5, इससे बन जाता है 2 मोल हैलाइड कंपाउंड C2H5 O C2H5 प्लस PCl5, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 Cl प्लस PuCl3. दिस इज इथाइल क्लोराइड एंड हियर इज फॉस्फोरिल क्लोराइड. तो इथर का डाइहैलोजन्स जुड़ जाते हैं और उसमें डाइहैलाइड कंपाउंड प्राप्त होती है 2 मॉलिक्यूल्स हैलोजन. इसके बाद अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है RCOX. तो कोई ना कोई हैलोजन जुड़े होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और उसमें अगर रिएक्शन कराने पर इसका प्रोडक्ट जो बनता है उसमें हमको मिलता है एस्टर. तो C2H5 डाइथाइल ईथर में ले रहा हूं एंड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप एंड CH3CO Cl. हैलोजन इज क्लोरीन एंड और इज मिथाइल ग्रुप. देन नंबर ऑफ 1 क्लोरीन टू फॉर्म C2H5 Cl एंड अदर इज अटैच विद CH3CO एसिटो ग्रुप और उससे बनती है एस्टर. तो CH3CO CO C2H5 प्लस 1 मोल्स ऑफ C2H5 Cl. कंबशन रिएक्शन, अगर इथर को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स देता है. उसमें कंप्लीट कंबस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है. पावर एल्कोहल्स में इथर का इसी कारण उपयोग किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है. C2H5 O plus O2, then it is complete combusted to form carbon dioxide and water molecules. Twice CO2 plus number of hydrogen here is 10, then 5H2O plus energy इसमें बहुत ज्यादा रिलीज होता है. अगर इसका ऑक्सीडेशन ओजोन के साथ किया जाए उससे बनता है इथर परऑक्साइड. C2H5O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन फिर जुड़ जाती है और इथर परऑक्साइड बॉन्ड प्राप्त होता है. इथर परऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -1. तो C2H5 ऑक्सीजन प्लस O3, देन C2H5 O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो अटैच विथ ऑक्सीजन प्लस O2. सो दिस इज कॉल्ड इथर परऑक्साइड. अगर इसका करते हैं डिहाइड्रेशन, बोर्ड क्लास में रिएक्शन आता भी है. डिहाइड्रेशन अगर बॉक्साइड की उपस्थिति में कर दें उससे प्राप्त होता है एल्किन. किस तरह से होगी? इसमें C2H5 2 मॉलिक्यूल से एथाइल ग्रुप. अगर इसका
ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ L2O3। देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H4 एंड H2O। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एथेन। तो इथर का पूर्ण निर्जलीकरण हो जाती है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और इससे बनता है एथेन। इथर का यूजेस टू इंडस्ट्रियल, इसका बहुत ज्यादा यूज होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्प्रेड प्रिपेयर करने में। तो पहला तो होता है सॉल्वेंट के रूप में, इंडस्ट्रियल रेजिन गम्स है, प्लास्टिक है, सभी को डिजॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण यूज होता है एनेस्थीसिया। इथर के वाष्प नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को अगर दे दें तो एनेस्थीसिया में आज के डेट में भी इसका यूज करते हैं और उसके द्वारा सर्जिकल ऑपरेशन के पहले इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसका कंपोजिशन C2H5 ऑक्सीजन वाइपर फॉर्म में लेते हैं इथर प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दिस इज एनेस्थीसिया। इसके अलावा इसका करते हैं उपयोग एल्कोहल के निर्माण में, एस्टर के निर्माण में, प्रयोगशाला में जो स्ट्रीट लैंप होती है उसमें फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। तो ये आपको संपूर्ण जानकारी होती है इथर के बारे में और इसके आगे फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।